बहुत गुस्सा आया, और कल के व्लॉग में कमेंट्स भी आए मुझे। 26 तारीख को मेरा शूट है, उसके बाद एक और शूट का मेरे को कॉल आया है। कैसे नायन भाई? So guys, आज का दिन तो बहुत धूप भरा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है देखिए बाहर निकलेंगे तो एकदम गर्मी से भस्म हो जाएंगे, इतना गर्म मौसम लग रहा है। और मैंने अभी मस्त एकदम फेस वॉश किया, क्योंकि नहा दो कप से लिया था। अभी दोपहर के 4:15 बज रहे हैं, और सोचा एक काम है वो निपटा के आता हूँ, तो वो निपटा रह जाऊँगा काम। तो अभी मुँह धोया तो इधर पानी गिर गया है, तो इसलिए आपको लग रहा रहेगा ये क्या है। तो अभी मैंने कल जो वीडियो डाली, ब्लॉग डाला था, तो उसमें लास्ट में मैंने आपको दिखाया था कि फ़ोटो गिर गया है, वो फ़ोटो पड़ा है और नीचे गिरा पड़ा था। तो मैंने बोला था, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था वो, कि फ़ोटो किसने रख दिया है और नीचे भी गिर रहा है, तो अभी उठा रहा नहीं है, और वो आजू बाजू वाला ही कोई रहेगा जिसने वो रखा है, और फ़ोटो गिर रहा है और हम लोग आके उठा रहे हैं। मतलब मैंने तो कल देखा, मेरे दोस्त ने बोला कि ये 3-4 दिन से ऐसा पड़ा है, और मैं वहाँ पर जाता नहीं हूँ। तो मैंने कल देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया, और कल के व्लॉग में कमेंट्स भी आए मुझे कि आपने बहुत सही बोला, और नदी में प्रवान करना बेटर नहीं होगा क्योंकि वहाँ नेचर का भी नुकसान होता है। तो मुझे कमेंट आया बहुत बड़ा, तो आप जाके देखना वीडियो में वो उसके नीचे कमेंट। तो मैं वही सोचा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मेरा दिमाग भी बहुत ख़राब है कल के वो सीन से कि फ़ोटो ऐसा रख दिया है गुरु महाराज का, और ऐसा कोई करता नहीं है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा कि इतना बड़ा फ़ोटो, क्योंकि छोटे छोटे फ़ोटो इधर उधर रख के कोई भी चलो ठीक है चले जाता है, और वो तो कोई पेड़ भी नहीं है बरगद का या कोई पीपल का, ऐसे ही पेड़ के नीचे रख दिया है। तो मुझे तो ये बात का बहुत गुस्सा है। देखते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ वहीं पर, कुछ काम है वो निपटा के फिर देखता हूँ, अगर हुआ तो अभी उठा लेंगे फ़ोटो को, नहीं तो शाम को उठाएँगे। पर उसका आज कुछ करना ही पड़ेगा, और जाके चेक करेंगे, अगर पूछेंगे वहाँ पर भी किसका है किसने रखा है, नहीं पता चला तो उठाना पड़ेगा हमको ही। और पता वैगरू की इतनी मेहर है, इतने दिनों से मैं घर पे बैठा था, मुझे पूरा महीना खाली, मैंने शायद फर्स्ट वीक में फैब के शूट किया, उसके बाद मैंने शूटिंग किया है 2-3 वीक। तो अभी मेरा ट्रायल है कल, और फिर 26 तारीख को मेरा शूट है, उसके बाद एक और शूट का मेरे को कॉल आया है। सो थैंक गॉड घर पर बैठ बैठ के मैं इतना बोर हो गया था, मतलब इतना वो हो गया था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, बिकॉज आई लव शूट, और मैं घर पे बैठा था, मेरे दिमाग भी काम नहीं करते। सो मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, और फिर से पहले मैंने गाड़ी से आते हुए देखा तो यहाँ पर फुटेज पड़ा था, फिर से नीचे पड़ा है ये फ़ोटो, पता नहीं कैसे हो गए बंदी, इतना अच्छा पिक है गुरु महाराज का। अभी आता हूँ, जो मैं काम निपटा के फिर उसको लेके जाता हूँ, जो करना है करूँगा फिर बाद में। पता क्या, फ़ोटो इतना मस्त है, इतना हैवी है, और किसने लगता है बनवाया इतना अच्छे से। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं विवान मॉल, और मैं हूं मिस्टर बंटी पंजाबी के साथ, जो अभी मस्त सलून हो गया है, दाढ़ी बना के। सो गाइस हम लोग आए हैं अभी विवान मॉल, हमारा दोपहर को काम हुआ नहीं, तो हम लोग विवान मॉल घूमने के लिए आते हैं। देखो वाह, कैसा नाइट भाई? ओके, एक नंबर है, मस्त था, ए ले लेके टने मां। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये क्या किया आपने, मस्त मजा आया। सो भाई जैसे बहुत मजा आ रहा है। मैंने मुझे बहुत मस्त मजा आया, टी शर्ट वगैरह, जीन्स, नॉर्मल टी शर्ट भी बहुत अच्छे अच्छे, प्राइसिंग खाली थोड़ी हाई है, 800 की। हम लोग एक मतलब एक क्लब टाइप में आए, मतलब लाइव म्यूजिक वगैरह चल रहा है, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, सो बहुत
बहुत ही प्यारा लाइव सॉन्ग गा रहा है बंदा, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया है। और गाइस मैं कब से हम लोग घूम रहे हैं, थाना पहले दो दिन काम किए, तो हम लोगों ने बहुत कुछ खाया, सेव को दिखाया, शोरमा खाया, वो सब मैं दिखा नहीं पाया। तो अभी हम लोग इधर हैं, तो अभी इधर से निकलेंगे, फिर घर पर जाऊँगा। फोटो वाला काम मेरा नहीं हुआ, फोटो में परवान करने वाला था या तो कुछ करने वाला था, पर वो नहीं हुआ, तो पूरा दिन मेरा इसमें चला गया। मैं लोग के साथ आ गया, विवेना मॉल थोड़ा बहुत घूम लिया, वहाँ से मैं तो व्लॉग कर ही नहीं पाया क्योंकि लोगों के साथ था, तो मैं व्लॉग नहीं कर पाता हूँ। तो जो भी थोड़ी बहुत मैंने व्लॉग आज किया है, थोड़ा बहुत किया है, वो चाहता हूँ वापस, और बहुत अच्छा गा रहा है और थोड़ा लास्ट ही गा रहा है। अभी रात के 12:30 हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी है मैं आपको दिखाता हूँ, तो उसके बाद हम घर को जाएंगे।
फाइनली घर पे पहुंच चुका हूँ और आज हमने बहुत मज़ा किया। वहाँ से होने के बाद हम क्लब गए राडी। मेरे तो अभी भी सर दर्द कर रहा है। हम सुबह के 6:30 घर पे आया हूँ। सो यहाँ तक अपनी वीडियो देखी है स्टिल, तो यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक कर देना, नया सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स पे बताना क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए।